थोड़ी थोड़ी जी याद ताजा करने हैं। जड़े लोग संत जरनैल सिंह जी नू माड़ा कहंदे हैं, मैं उन्हां नू पुछदा, वो तरह तरह दी दलीलां दिंदे ने। उन्हां दी जे अगर दलील नू कट्टो तो एक मिनट लगता है कि जी वो इदां सी, कि जी वो उदां सी, वो इदां सी। तो गुरमुख प्यारे लड़ाई तो इथों शुरू हुई है कि उन्होंने सरकार वालों सिखां दा चौथे दर्जे की मंग की सी कि सानू साडे मजहब का चौथा दर्जा मिल जाना चाहिए है, जेड़ा कि उस टाइम तो लेके अज तक किसी सरकार ने नहीं दिता। सिखां नू केसा धारी हिंदू मनिया जाता है, इस गल का तर्क सी उन्होंने सीने च। आप जी ने सुनिया होगा, अज भी उन्हां दीआं मूवियां इंटरनेट ते हन। उन्होंने कहा है जिहड़ा पंज टाइम की नमाज पढ़ता है, कुरान दे उत्ते ईमान रखता है, रोजा रखता है, ज़कात दिंदा है, वह मुसलमान साडा भरा है। जिहड़ा हिंदू है वह सारे अरकान अदा करता है ते वह भी साडा भरा है। आखिरकार फिर किवें हो सकता है कि उन्होंने कोई धार्मिक दंगा और फसाद खड़ा किया। लोग कहते हैं कि जी वह हथियार लेके अंदर हरिमंदर साहब च बैठे हुए सी, क्यों भाई? जब सतगुरु सच्चे पातशाह ने किरपान आपके जमाने का हथियार है, जब जमाना बदल गया तो हथियार बदल गए। आप जी मैं बेनती करता हाँ, सानू इजाजत है कि असि हथियार लेके बाणी का पाठ कर सकते हैं, असि किरपान लेके कथा कर सकते हैं, असि किरपान नू महाराज जी की हजूरी च ला के रख सकते हैं। ते आप जी मैं बेनती करता हाँ जे अगर संतां दे कोल हथियार सी, एक किन्नी क गल सी। संतां ने एक गल कही कि मैं आपकी गिरफ्तारी दे देनी है पर मैं पिछे नहीं मुड़ना, लेकिन अज मैं गिरफ्तारी भी नहीं देनी। जे अगर तुसी सानू गिरफ्तार करना चाहते हो, फौज लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर सारा कुछ हरिमंदर साहब की बाउंड्री तो बाहर होना चाहिए है। जदों तक साढ़े स्थान की बेअदबी नहीं हुई उस तो पहले असी कोई हरकत नहीं करनी, या अगर बेअदबी हुई तो असी रुकना नहीं। की समझा आपने? दूरदर्शी जग्यासु महापुरुष सी संत बाबा जरनैल सिंह जी। आपो आप दिया दलीलां देने नाल गल दा पता नहीं लगता जब तक के गल नूं अंदरूनी तौर ते ना पढ़ी जावे।